फिल्म की शुरुआत में हम स्पेस में अर्थ की एक स्पेस शिप को देखते हैं जिसमें एक एस्ट्रोनॉट यानी कॉलिन मौजूद थी और इस स्पेसशिप को एलियंस ने तबाह कर दिया था, जिस दौरान कॉलिन कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पृथ्वी तक भेजना चाह रही थी, मगर शिप की पावर कम होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। इसलिए नासा के एक साइंटिस्ट उन्हें वो इंफॉर्मेशन वाली की पृथ्वी तक लाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन तब तक एलियंस ने कॉलिन पर हमला कर दिया होता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हम एलेक्स नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि लोगों से गुल्ला मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में नई चीजें सीखना काफी अच्छा लगता था। अब एलेक्स की मॉम उसे एक रिम ऑफ द वर्ल्ड नाम के समर कैंप में लेकर जाती है ताकि एलेक्स वहां लोगों से घुलना मिलना सीख सके। अब इसी कैंप में हमें एक चाइनीज लड़की जेन को देखते हैं जो कि अपने आप में ही रहना पसंद करती थी और किसी से बोलती भी नहीं थी। साथ ही यहाँ एक बातुनी और अमीर लड़का डेरियूश भी मौजूद था। इसके बाद हम बच्चों को इस समर कैंप की पहली एक्टिविटी को करते हुए देखते हैं जिसमें सभी को ऊंचाई पे चढ़कर रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाना था, मगर ये एक्टिविटी एलेक्स नहीं कर पाता क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। अब इसके बाद अगले दिन जेन कैंप से दूर एक खाली जगह पर चली जाती है जिसके पीछे पीछे एलेक्स भी वहां पहुंचता है और साथ ही यहां डेरियूश भी आ चुका था जो कि एलेक्स का ऊंचाई का डर खत्म करने के लिए उसे खाई के करीब घसीट रहा था। इसी बीच वहां हमें एक गैब्रियल नाम के लड़के को देखते हैं जो कि डेरियूश को मारकर एलेक्स को उससे बचा लेता है और अब इन लोगों की आवाज से वहां जेन भी आ चुकी थी। तभी उन्हें एक जोर का धमाका सुनाई देता है और सभी के पेजर पर एक मैसेज आता है कि वो लोग जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाए और अगर उन्हें कोई एलियन दिखे तो उससे दूर ही रहें। ये देखते ही सभी कैंप की तरफ भागते हैं जहाँ जाने पर इन्हें पता चलता है कि सभी यहाँ से पहले ही जा चुके हैं और यहाँ सिर्फ यही चारों फंसे हैं, जिसके साथ ही इस पूरी जगह का नजारा एकदम से बदल चुका था। दरअसल यहाँ एलियंस और इंसानों के बीच एक वॉर छिड़ चुकी थी। फिर हम एक स्पेस शिप कैप्सूल को वहां क्रैश करते हुए देखते हैं जिसके अंदर देखने पर बच्चों को उसमें कॉलिन जिंदा मिलती है जो कि बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी और वो एलेक्स को एक की देते हुए कहती है कि तुम लोग इस की को किसी तरह से नासा की JPL लैब में डॉक्टर फील्डिंग के पास पहुंचा दो क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हम एलियंस की मदरशिप को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और जब कॉलिन बच्चों को ये सभी चीजें बता रही होती है तभी वहां एक बड़ा सा एलियन आकर उसे जान से मार देता है, साथ ही बच्चों के पीछे एक एलियन डॉग लग जाता है जिससे बचने के लिए पहले ये सभी एक बिल्डिंग में अलग अलग जगह छुपते हैं और उसके बाद ये उस एलियन डॉग से भागते हुए कॉलिन की स्पेस कैप्सूल में छुप जाते हैं, मगर अब भी उस एलियन डॉग ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। हालांकि यहाँ डेरियूश कैप्सूल के इग्निशन को गलती से चालू कर देता है जिसकी चपेट में आकर उस एलियन डॉग की मौत हो जाती है और उसकी मौत से बौखलाकर बड़ा एलियन चारों बच्चों को पकड़ लेता है जो कि जैसे ही उन्हें मारने वाला होता है तभी वहां एक ह्यूमन जेट आकर उस एलियन को गोलियों से भून डालता है। इससे वो एलियन मरता तो नहीं लेकिन कुछ देर के लिए बेहोश जरूर हो जाता है। अब ये लोग JPL तक कॉलिन की दी हुई की को पहुंचाने के लिए साथ में साइकिल से निकलते हैं, मगर एलेक्स को साइकिलिंग नहीं आती थी इसलिए वो कुछ दूर जाते ही लड़खड़ा कर गिर जाता है, जहां सभी रुक कर देखते हैं कि इस अचानक हुए हमले की वजह से पूरा शहर तबाह हो चुका है। अब यहां से ये लोग किसी तरह शहर के पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं जहां सब कुछ तबाह हो चुका था और यहां कोई भी नहीं था सिवाय एक लू नाम के कैदी को छोड़कर जो कि बताता है कि उसका बेटा अकेला है और वो उसका वेट कर रहा होगा इसीलिए वो उसे खोल दे। अब लू की इस बात को सुनकर जेन उसे आजाद कर देती है क्योंकि उसे पता था कि मॉम डैड से दूर होने का क्या मतलब होता है क्योंकि उसके भी मॉम डैड नहीं थे। इसके बाद ये सभी चलते चलते गैब्रियल के घर के करीब पहुंच जाते हैं जहां ये सभी रात बिताने का फैसला करते हैं और यहां गैब्रियल बताता है कि उसे नंबर्स भूलने की अजीब दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से एक शॉप में काम करते वक्त एक आदमी ने उस पे पैसों की चोरी का इल्जाम लगा दिया जिसके कारण उसे पुलिस ने पकड़ लिया और वो जेल से भागकर सीधा समर कैंप में आकर छुपा था।
यहाँ सभी गैब्रियल को गले से लगा लेते हैं और फिर सभी सोने जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद इन्हें घर में किसी और के होने का एहसास होता है और देखने पर इन्हें पता चलता है कि वहाँ लू अपने कुछ आदमियों के साथ एलेक्स से वो की लेने आया था। की को वो ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था, इसलिए एलेक्स उसे वो की देने से इनकार कर देता है। हालांकि इस पर लू एलेक्स को कुछ कर पाता, इससे पहले वहां वही एलियन आ जाता है जो कि समर कैंप में गोलियों की वजह से बेहोश हो गया था, और वो एलियन आते ही लू और उसके साथियों को बहुत बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद जब वो एलेक्स और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ता है तो गैब्रियल बहुत ही चलाकी के साथ उस एलियन को स्विमिंग पूल के एक ट्रैप में फंसा कर चला जाता है। अब अगले दिन हम इन बच्चों को उस जगह से काफी दूर देखते हैं जहां एलेक्स सभी को बताता है कि वो एलियन बिना उसकी मदरशिप को डिस्ट्रॉय किए नहीं मर सकते, क्योंकि वो शिप इन एलियंस को एक तरह से रीजेनरेशन की पावर देती है। जिसके बाद बातों ही बातों में गैब्रियल और दर्यूश के बीच झगड़ा हो जाता है, और यहाँ गैब्रियल के ताने से तंग आकर दर्यूश सबसे बताता है कि उसके डैड पूरी तरह से बैंक्रप्ट हो चुके हैं और वो इतना अमीर नहीं रहा जितना सब उसे समझते हैं, इसलिए उसको इस समर कैंप में भेजा गया था ताकि तब तक उसके डैड सब कुछ सही कर सके। और यहाँ दर्यूश के इतना बताते ही गैब्रियल और उसमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद ये सभी एक मॉल में जाकर कपड़े बदलते हैं और एक कार लेकर जेपीएल की तरफ निकलते हैं जिससे जैन चला रही थी। इसी दौरान एक बार फिर से वो एलियन इन पर हमला कर देता है और उससे बचने के लिए सभी बच्चे चलती कार से नीचे कूद जाते हैं और वो कार ब्रिज के नीचे एलियन सहित क्रैश हो जाती है। वो एलियन कार के नीचे दब जाता है, मगर एलेक्स ने वो की कार के अंदर ही छोड़ दी थी, जिसे लेने के लिए दर्यूश जाता है, जिसे वो की तो मिल जाती है लेकिन यहाँ एलियन उसे घायल कर देता है। हालांकि किसी तरह दर्यूश अपने दोस्तों के पास की लेकर पहुंच जाता है, जिसके बाद ये लोग तुरंत जेपीएल पहुंच जाते हैं। यहाँ सभी देखते हैं कि ये लैब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और साथ ही डॉक्टर फील्डिंग भी मर चुके हैं, इसलिए अब इनकी मुलाकात एक जनरल से होती है जो कि एलेक्स से बताते हैं कि उस की के पासवर्ड की मदद से एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा जिससे एलियन की मदरशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम इस जंग को जीत जाएंगे। अब क्योंकि एलेक्स स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, इसलिए वो जैन को नीचे जाकर जनरेटर चालू करने के लिए कहता है और गैब्रियल और दर्यूश को की के साथ सिस्टम को एक्टिव करने का काम देता है और वो खुद एक जगह ऊँचाई पर कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक करने जाता है। इस दौरान वो अपने ऊंचाई के डर को महसूस करता है, तभी वो एलियन आकर एलेक्स पर अटैक करता है, जिसे बचने के लिए वो वायर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह झूलते हुए निकल जाता है, मगर अब भी एलियन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल की के साथ साथ सिस्टम को एक्टिव कर देता है और जैन ने भी जनरेटर को ऑन कर दिया था, जिस वजह से एक डिफेंस सेटेलाइट अपना निशाना एलियन की मदरशिप की तरफ करती है। और इधर एलेक्स उस एलियन को एक इंजन में ले जाकर उसके प्रोपेलर में फंसा कर मार देता है। इधर सैटेलाइट के फायर करते ही मदरशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण अब मरे हुए एलियन दोबारा जिंदा नहीं हो पा रहे थे। मतलब कि आखिरकार इन बच्चों ने दुनिया को बचा ही।